चलिए आज हम देखते हैं एक नई स्टोरी, उसका नाम क्या है। द एच ए आर ई हेयर ए एन डी एंड टी एच ई द टी ओ आर टी ओ आई एस हेयर एंड टैटोइज। ठीक है, द हेयर एंड द टैटोइज। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसको हम पढ़ते हैं। जब पढ़ते हैं तो बच्चों से पूछते हैं, क्या आपने हेयर देखा है या टैटोइज देखा है। बच्चों से पूछते हैं और बच्चों को बार बार उनको उनकी कलर के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, इनके बारे में भी पूछते हैं। ठीक है, बच्चों को ज़्यादा पूछने से, बच्चों को किसी भी चीज़ के बारे में पूछने से बच्चों को जवाब देने का स्किल प्राप्त होता है। बच्चे सुनते हैं, समझते हैं क्या बोला जा रहा है, क्या हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। टी एच ई आई देयर, डब्ल्यू एस वॉस, ओ एम सी वंस, आर एच ए आई हर हेयर, डब्ल्यू एच हु, डब्ल्यू एस वॉस, एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स, डब्ल्यू आई टी एस वी आर टी ओ आर टी ओ आई एस टैटोइज। क्या है यह टैटोइज? ठीक है, तो ये कहानी किसकी किसकी है? तो एक हेयर है और एक टैटोइज है। ठीक है, हेयर एंड टैटोइज। ठीक है, अब यहाँ क्या स्टोरी है? देयर, देयर मीन्स हम बच्चों को बताएंगे कि देयर मीन्स वहाँ, देयर मीन्स क्या होता है वहाँ, वाज बार मीन्स था, वंस मीन्स एक बार, ए हेयर एंड हु, डब्ल्यू एच हु मीन्स जो, डब्ल्यू एस वाज मीन्स था, एफ आर आई ई एन डी एस फ्रेंड्स, डब्ल्यू आई टी एच विथ, विथ मीन्स के साथ, आर टी ओ आर टी ओ आई एस ई किसके साथ, टैटोइज के साथ बोल रहे हैं। जब हम ये स्टोरी बताएं तो बच्चों को बताएं कि ये स्टोरी कहाँ की है, तो ये फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। जंगल किसने किसने देखा है? जब बच्चों को पढ़ाएं तो उनसे बार बार क्वेश्चन पूछें, बच्चों को अपनी कहानी में जोड़ कर रखें। ठीक है, तो उसमें वो बच्चे बताएंगे कि स्टोरी में कौन कौन है। एक हेयर है और एक टैटोइज, दोनों कौन है? दोनों आपस में दोस्त हैं। ठीक है, वन ओ एन ई वन, डी ए वाई डे, एच ई ही, सी एच ए डबल एल ई एन जी ई डी चैलेंज, टी एच ई द टी ओ आर टी ओ आई एस टैटोइज, टी ओ टू आर ए सी रेस। ठीक है, बच्चों को जब पढ़ाए तो उन्हें बताते जाएं कि हमें एक जहाँ पे फुल स्टॉप आता है और फिर दूसरा, उन सबों को एक साथ पढ़ना रहता है। ठीक है, जब हम स्टार्ट करते हैं तो जहाँ फुल स्टॉप आता है वहाँ पे रुकते हैं, बीच में कॉमा रहता है तो उसे हिंदी में अल्प विराम को, मतलब उसे हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो रहा वन डे। वन डे मतलब एक दिन। ही 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 मीन्स कौन? तो ये हेयर, ये हेयर उसे भी चालाक होता है, तो ये हेयर जो था चैलेंज किया। किसको चैलेंज कर दिया? अपने दोस्त टैटोइज को चैलेंज कर दिया। क्या के लिए चैलेंज किया? रेस के लिए। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ रेस लगाते हो, कोई जीतता है कोई हारता है। ठीक है, तो हम बच्चों को बीच में उनसे पूछते हैं कौन कौन रेस लगाया है और किस किस किसके साथ लगाए हो। तुम अपने दोस्तों के साथ रेस लगाए हो कि नहीं लगाए? ठीक है, एस डबल ई आई एन जी सिंग, क्या हो गया? सिंग। ठीक है, एच ओ डब्ल्यू हाउ, एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, टी एच ई द टी ओ आर टी ओ आई एस टैटोइज, डब्ल्यू एस वॉज, जी ओ आई एन जी कोइन। क्या बोल रहा है कि हाउ स्लो द टैटोइज वॉज गोइंग। वह देख रहा है, सिंग मतलब होता है देख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टोरी बाज की है तो देख रहा था। क्या हाउ, हाउ मीन्स कैसे, स्लो मीन्स धीरे, द टैटोइज, टैटोइज मतलब जो कछुआ था वो कैसे धीरे धीरे चलता था। ये हेयर बहुत चालाक था, तो ठीक है,
जब भेड़ बहुत चालाक था तो वो बोला कि देखो ऊंट जो है कितना धीरे धीरे चलता है, तो क्यों नहीं इससे रेस लगा लिया जाए और जीत जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार हेयर जो था वो टर्टोइस के साथ रेस लगा लिया, ठीक है। टीच द एच ए आर ई हेयर टी एच ओ यू जी एच टी थॉट, थॉट में सोचा, कौन सोचा, हेयर सोचा। एच ही एपोस्ट्रॉफी डी, यहाँ पे ही हैड, क्या है, ही और हैड, ही और हैड जब साथ में जोड़ देते हैं तो ही हेड पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हेड W I N विन टी एच आई एस दिस ई ए एस आई एल वाई ईजली, क्या बोल रहा है कि जो हेयर था, जो हेयर है वह सोचा कि क्यों ना मैम, वह क्या सोचा, ही हैड विन दिस ईजली, वह इस रेस को बहुत ही ईजली जीत जाएगा, ठीक है। इसीलिए उसने टर्टोइस से कहा कि चल आज रेस लगाते हैं, ठीक है। तो बच्चों को ढेर सारी स्टोरी पढ़ाए, बच्चों को बहुत सारी स्टोरी पढ़ने का मौका दें, और हर बच्चे को पूरी मीनिंग याद करने पर प्रेशर ना दें, बच्चे को इनमें पढ़ने आना चाहिए, बच्चे को प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए, बच्चे को वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन करना बच्चे सीख जाएंगे तो बच्चे अधिक से अधिक पढ़ना सीखेंगे, उनमें रुचि आएगी पढ़ने में, ठीक है। धन्यवाद। इसकी स्टोरी को हम आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस स्टोरी में आगे क्या है। जैसे ही हम क्लास में भी या फिर बच्चों को भी स्टोरी सुनाते समय कुछ स्टोरी का पार्ट दूसरे दिन के लिए छोड़ दें, फिर बच्चों से पूछें कि चलो अच्छा बताओ कि हेयर और टर्टोइस में क्या हुआ होगा, कौन जीता होगा, हाँ तुम्हारी नज़र से कौन जीता होगा, अगर तुम और दोस्त जीतने रेस लगाते हो तो कौन जीतता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों से पूछें ताकि वो जल्दी से जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाए, ठीक है।